हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो सुबह की रीडिंग आपने शायद देखी होगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत हैवी एनर्जीज है थर्ड पार्टी की। तो आप लोग को भी काफ़ी ज़्यादा शायद हैवीनेस फील होता होगा, जैसे कि सर में दुखना या फिर ऐसे थोड़ा हार्ट में पेन जैसा फील होता होगा। तो अचानक से बहुत डिप्रेशन जैसा, या अचानक से सब कुछ, मतलब कल तक तो आप पॉजिटिव सोच रहे थे लेकिन आज अचानक ऐसा निगेटिव होने का फील होने का बहुत स्कोप है। तो सॉल्ट बात लीजिए, मतलब नहाने के पानी में सॉल्ट मिक्स करना है, वो पानी सर पे नहीं डालना है। तो प्लीज़ आप ये करिए, और जहाँ पे आप भी सोते हैं तो वहाँ पे कपूर और धूप या ऐसा कुछ करके रूम को, स्पेस को थोड़ा क्लीन कीजिए, मतलब उसकी जो निगेटिव एनर्जीज हैं उसको क्लीन कीजिए। तो रीडिंग करंट एनर्जीज के लिए है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स जानने की कोशिश करी मैं, और जैसे कि मैं बता रही हूँ कि जो भी उससे जुड़े हुए हैं तो उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उनको वो सॉल्व हो जाए, और वो भी जल्द। इसके लिए मैं मेडिटेशंस करती हूँ, तो जो भी जुड़े हैं उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करने की कोशिश करती हूँ। तो स्टे कनेक्टेड, और बहुत मैं दुआ मांगती हूँ यूनिवर्स से कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उनका आपको सोल्यूशन मिल जाए। तो दूसरा चीज़ है कि शायद 555 एंजल नंबर देख के अगर आप आए हैं चैनल पे, तो पॉजिटिव चेंज एंड मेजर चेंज लाइफ में होने का पूरा पूरा स्कोप है, चांसेस है पूरे। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या फील करते हैं। मैं रीडिंग इस इंटेंशन से करती हूँ, इस मंशा से करती हूँ कि आपकी हीलिंग हो। आपके पार्टनर ऐसा ही कुछ फील करते हैं और कर रहे होंगे या कर रहे हो ऐसा मैं फील करती हूँ। तो एज इफ लाइक ना मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश करती हूँ। तो देखते हैं कि क्या एनर्जी निकलती है। मुझसे जो भी लोग जुड़े हुए हैं तो मुझे उनके पार्टनर में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, कि उनकी जो कार्मिक साइकिल है वो कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही है। तो मेरी वाइब्स तो यही कर रही है। देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। आप देख सकते हैं टावर का कार्ड और द फूल, अगेन नई बिगिनिंग। ये है ना, सब कुछ बिखर गया है। जैसे मैंने कहा है कि जो इमारत मजबूत नींव पे नहीं बनी थी उसका टूटना था, तो वैसे ही कुछ उनके लाइफ में हो रहा है। जो भी उनकी सिचुएशन है, फाइनेंसेस बोलो, जॉब बोलो, करियर बोलो, बिजनेस बोलो, और थर्ड पार्टी जैसे रिश्ते जो उनके लिए नहीं बने थे या उन मतलब वैसे तरह से नहीं बने थे, तो डेफिनेटली उनमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है, वो फील हो रहा है। और द फूल, नई शुरुआत चाहते हैं। अभी हर चीज़ है ना वो बदल के रखना चाहते हैं। मतलब पहले अगर इमोशनल ब्लैकमेलिंग, जैसे कि अगर थर्ड पार्टी पेरेंट्स है, उनको हम लोग ऐसे थर्ड पार्टी नहीं बोल सकते, बट पेरेंट्स अगर इस रिश्ते के लिए अगेंस्ट है, तो पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स का जो कंट्रोल है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, वो अब बर्दाश्त के हद में नहीं है। वो बर्दाश्त नहीं करना चाहते, वो उस मतलब इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहते, उस बोलते ना उसके बहकावे में, इमोशनल ब्लैकमेलिंग में अभी नहीं आना चाहते, और अभी चाहते हैं नई शुरुआत। अभी वो हर चीज़ है ना नए से करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, और मतलब पहले की तरह सब कुछ नहीं चाहते। जैसे कि गलतियाँ की हैं तो उनको सुधारना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी देखते हैं कि ओशो जेन से क्या एनर्जीज उनकी कहती हैं। द ड्रीम, श्रिजोफेनिया, कॉन्शियसनेस, सक्सेस,
मैच्योरिटी, ब्रेकथ्रू। अगेन आप देख सकते हैं कि उनको कुछ ना कुछ पता चला है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है उनके लाइफ में जो उनको बदल के रख रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में, और हर चीज़ के, मतलब जैसे मैंने कहा ना कि उनका जो कॉशसनेस लेवल है, मतलब अंदरूनी जो जागृति होना है, हर चीज़ मुझे बदलती हुई नज़र आ रही है। कहीं पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है उनकी, यूनिवर्स की तरफ से उनको बहुत ही ज़्यादा तोड़ा जा रहा है ताकि दुनिया को अलग, मतलब जैसे देखें ना, हैंगमैन का कार्ड दिखाई दे रहा है मुझे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मतलब उल्टा लटका के रखा है ताकि दुनिया को सीधे तरीके से देखे। तो वो एक सिचुएशन है, और काफ़ी लोग हैं वो फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, दो सिचुएशन के बीच में से फंसे हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। द्विधा मनस्थिति है काफ़ी ज़्यादा, क्या सोचो, क्या करे, कैसा करे, वो सब चीज़, मतलब मनस्थिति में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं फील हो रहा है इस एनर्जीज में। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने देख रही हूँ ना कि मैच्योरिटी ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब उनको हर चीज़ में लेवल में ना एक इम्प्रूवमेंट आ रहा है कि उनको काफ़ी सारी चीज़ें ना समझ में आ रही है, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहे कि मतलब डिसीजन लेने के बारे में अगर उनकी हिम्मत नहीं थी तभी उनमें वो हिम्मत आ रही है, ऐसा फील ज़्यादा हो रहा है। और डेफिनेटली अभी वो सक्सेस चाहते हैं लाइफ में, और उनको दिख रहा है कि सक्सेस कहाँ है उनका, वो आप हो ऐसा फील होता है। और या तो आप उनके ड्रीम में आ रहे हैं या वो आपके ड्रीम में आ रहे हैं, वो दोनों जगह से कोशिश कर रहे हैं कनेक्ट होने की पूरी तरह, मतलब ड्रीम में, मतलब यहाँ पे भी दिख रहा है कि आप और वो एक दूसरे से कनेक्शन बना रहे हो, खास करके वो आपकी ड्रीम में आके आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपको मतलब कनेक्ट फील कराना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं से कुछ जगह से जब आप उनकी ड्रीम में जाते हो आपके मैनिफेस्टेशन के थ्रू और सब कुछ, तो वो उनको कहीं ना कहीं कनेक्ट बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। तो वो बहुत अच्छी एनर्जी, और मुझे बहुत खास लगी एनर्जी, और सेपरेशन में है, मतलब अपनी फीलिंग्स है ना दिल में दबाए बैठे हैं, दिखा नहीं रहे, समझा नहीं रहे, बता नहीं रहे। तो वो एक फीलिंग ज़्यादा है, मतलब दबाए बैठे, छुपा नहीं, दबाए बैठे कि मतलब इच्छा है मुझे ये करना है, आपके पास आना है, आपसे मिलना है, बात करना है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा, मुझे हद तक लगता है ना, कमिटमेंट का बहुत इशू है, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट का इशू है कि मतलब आपके पास आएंगे, कॉल मैसेज करेंगे तो आपको क्या जवाब दे। कुछ लोगों ने गलतियाँ इतनी बड़ी की हैं तो उनका जवाब देना मुश्किल है, तो वो है। तो कहीं आप अगर पूछोगे आगे क्या, स्पेशली अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या पेरेंट्स नहीं मान रहे एट एनी कॉस्ट, तो फिर आगे क्या, अगर आपने ऐसा पूछा तो उसका जवाब क्या होगा। इस डर की वजह से अपनी फीलिंग्स को दबाए बैठे हैं, ऐसा ज़्यादा फील हो रहा है। तो जो भी आप सोच रहे ना, तो आप अपनी निगेटिव एनर्जी, गुस्सा है, पहले तो आप वो कम करो। जिस दिन आपका गुस्सा उतरेगा ना, आपकी तरफ उनका कॉल मैसेज आएगा, क्योंकि वो एक आपने ना जैसे वॉल खड़ी की है, एक दीवार है जो आप उनको आपकी तरफ आने के लिए रोक रही है, बात करने के लिए रोक रही है। माना कि आपके सिचुएशन में मतलब वो मैरिड हो सकते हैं, पेरेंट्स नहीं मानने का अगर बहुत स्ट्रांग इश्यू हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर वो बात कर पाए, अपनी फीलिंग्स अगर समझ पाए, तो बहुत कुछ चीज़ें बदल सकती हैं, आपको कुछ सच्चाई पता चल सकती है। तो वो आप ध्यान दें अगर पॉसिबल हो तो। आपने गुस्सा करके, आपने निगेटिव होके, आपने रोके, कुछ नहीं मिलने वाला। आपने अभी तक वही किया है, आपने गुस्सा किया, आपने जलन किया, उनको स्टॉक किया, सोशल मीडिया पर नज़र रखी, सब कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट उन्होंने आपको ब्लॉक किया होगा। तो ये रास्ता अपना के देखिए, शांत हो जाइए और शांति से मैनिफेस्टेशन कीजिए। अपने दिल में जो निगेटिव चीज़ें हैं ना, वो निकालिए और पॉजिटिव चीज़ें के साथ उनको मैनिफेस्ट कीजिए। सवालों के जवाब तो आपको कम से कम मिलेंगे, चीज़ें खुलने लगेंगी। आपने जो ये जो निगेटिव एनर्जी बंडल आपकी तरफ बांध के रखा है ना, उसकी वजह से आपको कुछ सॉल्यूशंस या कुछ नज़र नहीं आ रहे। आपको सिर्फ एंग्जाइटी है कि कब ठीक होगा,
मैं बोल रही हूँ कि ठीक होगा, लेकिन कब ठीक होगा, ये होगा होगा कैसे होगा, ये तो उन्होंने तो शादी कर ली है, उनको तो पेरेंट्स मान नहीं रहे, ये नहीं वो नहीं, हज़ार चीज़ें। आपने पहले अपने आप को यूनिवर्स को सरेंडर करना है। यूनिवर्स ने रिश्ता दिया है, यूनिवर्स ने सेपरेशन किया है, तो मिलवाने का काम भी यूनिवर्स करेगा अगर ये रिश्ता आपके नसीब में है तो। लेकिन उसके लिए आपको अपनी एनर्जीज बहुत संभाले रखी हुई, संभाल के रखनी है। आप करके देखिए, मेरे कहने से नहीं, इसमें कोई आपके पैसे नहीं जा रहे, आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, आप सिर्फ करके देखिए, शांत होके देखिए, 21 डेज का मेडिटेशन करके देखिए, आप फिर आप अपने जवाब आप देखेंगे कि क्या हो रहा है। स्ट्रैटेजी तो बहुत दिमाग में खिचड़ी पक रही है कि क्या चल रहा है, क्या होगा, कैसे करें, क्या होगा, सब स्ट्रैटेजीज बनाते नज़र आ रहे हैं। कि यहाँ पे भी वही है, एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़, कि बहुत कुछ सोच रहे हैं दिमाग में कि क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ कैसे ठीक होगा, क्योंकि तूफानों से गुजरे, टावर का कार्ड है, वो ही मैंने जैसे आपको बताया था ना कि वही एनर्जी फील हो रही है, टावर डेथ और द वर्ल्ड, खास करके कार्मिक सिचुएशंस की कंप्लीशन है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, डिस्टर्बिंग है, हैवी एनर्जीज है, और यही मौका है उनको वापस लाने का। तो आप इस एनर्जीज को प्लीज समझिए, नहीं तो सेपरेशन है ना वो डिले में हो जाएगा। रिश्ता आपके नसीब में है तो वो ज़रूर होगा, घूम फिर के आप दोनों एक दूसरे के चक्कर काटोगे, लेकिन ये सेपरेशन डिले होना या मिलके भी नहीं मिलना, ये सिचुएशन चलती रहेगी। तो एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़, हर चीज़ मुमकिन कोशिश करके देख रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या जो बिगड़ा हुआ है वो ठीक कैसे हो सकता है। एनवी, बहुत जलन, गुस्से, डिस्टर्बेंस की एनर्जी में है कि दूसरे की लाइफ तो अच्छी चल रही है, मेरी लाइफ क्यों नहीं अच्छी चल रही है, इस एनर्जीज में फील हो रहे हैं। एंजल ऑफ लव, आपकी तरफ से बहुत ही अच्छे मैसेजेस और वाइब्रेशन सेंड हुए हैं जिनके लिए, तो उनको वो प्यार का एहसास उनको बहुत मजबूत बना रहा है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत बना रहा है। तो जो लोग ये इनर वर्क कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन अच्छे से कर रहे हैं, तो उनको डेफिनेटली कॉल मैसेज आया है, और अभी और भी अच्छे से सब बात होगी और सब कुछ जैसे सेपरेशन ख़त्म होगा। और मेरी तो यही इच्छा है कि आपका सेपरेशन सिर्फ ख़त्म नहीं हो, आपका रिश्ता पहले से भी बेहतर बने, मजबूत बने। कॉन्ट्रैक्ट तो आपका सोल लेवल का कॉन्ट्रैक्ट है और वो कहीं नहीं जाएगा, जैसे मैंने कहा ना, अगर रिश्ता आपके नसीब में यूनिवर्स ने दिया है तो कौन कैसे छीनेगा। यूनिवर्स ने अगर सेपरेशन लाया था, तोड़ा नहीं है, सेपरेशन लाया था, तो वो सब ठीक यूनिवर्स ही करेगी, और किस कदर ठीक होगा ये आप नहीं समझ सकते, जैसे कि अजीब तरीके से चीज़ें चेंज हो गई। एंजल ऑफ बैलेंस, मैं जब भी कार्ड निकालती हूँ, एंजल ऑफ लव और बैलेंस साथ में आ रहे, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लोग जो कर रहे हैं ना मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन, तो वो खुद बैलेंस में आने की वजह से ना वो वाइब्रेशंस ने अपने पार्टनर को सेंड कर पा रहे, और उस वजह से उनकी एनर्जीज बैलेंस होके ये सब चीज़ का इफेक्ट मिल रहा है उनको। अब देखोगे आप, थोड़े ही दिनों में आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर इसी एनर्जीज में वो आप रहोगे ना, यही एनर्जीज वो भी फील कर पाएंगे, और यही सक्सेस दिलाएगा आपको सेपरेशन का, एंड का। और बॉटम ऑफ डेक है कि ऑल टाइड अप अगेन, यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि वो बंधे हुए फील करे, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में बंधे हुए फील करे, जो भी सिचुएशन है ना उसमें फाइनेंस के प्रॉब्लम है, पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, थर्ड पर्सन का प्रॉब्लम है, हर चीज़ में बंधे हुए फील करे। तो नंबर इम्पॉर्टेंट है 21, 24, 20, 49, स्पेशली 9, 6 और 48 और स्पेशली 12 और 23 नंबर शायद आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो उसके ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए। मेरी जो सोल फैमिली है उनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, मैंने कहा ना हैंग मैन सिचुएशन है, अटके हुए हैं, बंधे हुए हैं,
और खास करके ये सब है ना उनके दिमाग की बत्ती जलाने के लिए हो रहा है। उनको जानबूझ के यूनिवर्स ने लटकाया है, जानबूझ के बहुत कुछ चीज़ें समझाने के लिए नहीं समझ रहे थे, सीधे से नहीं समझ रहे थे, इसके लिए उल्टा लटकाया गया है। द एम्प्रेस वो मतलब ये जो एम्प्रेस की एनर्जी है जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग और क्रिएटिव और मतलब जो एक फेमिनिन साइड है, जो आप जैसी साइड है, लविंग और केयरिंग और एक दूसरे को समझने वाली एनर्जी, रोमांटिक फील करने वाली एनर्जी, मतलब दूसरों को समझने वाली एनर्जी, ये इतनी स्ट्रांग एनर्जी है ना कि वो क्रिएटिव भी है, संभाल भी सकती है, लेकिन समझ भी सकती है। तो वो एनर्जीज़ में अगर वो आ रहे हैं तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इस कदर उनकी एनर्जीज़ चेंज होना मतलब बहुत बड़ी बात है। और आपकी एनर्जीज़ डिवाइन मस्कुलिन में चेंज होना ज़रूर, मतलब आपका ओवर इमोशनल है, आप ज़्यादा एंग्जाइटी में हो, आप ज़्यादा ही देने में हो, तो आपको थोड़ा संभलना है, रिस्पॉन्सिबल होना है, थोड़ा स्ट्रांग भी बनना है। तो आपको डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी में आना है, बैलेंस करना है। बेसिकली एनर्जीज सिर्फ एक ही में नहीं रहना है, बैलेंस करना है। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, तोड़ के रख दिया पूरा, पूरी तरह बदलना पड़ेगा। हैंगमैन भी है और डेथ भी है, पूरी तरह बदलना पड़ेगा। ये सिचुएशंस, उनके आसपास के लोग, हर चीज़ का, उनका रिश्ते का, हर चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मतलब उनको इस कदर रिश्तों में, सिचुएशन में, फाइनेंसेस में, हर चीज़ में, पैसे के वगैरह, हर चीज़ के प्रॉब्लम इस तरह से आएंगे कि उनको बदलना पड़ेगा। पहले जैसे थे ना, अकड़ थी, जिद थे, सब कुछ ऐसे नहीं चलेगा। अभी यूनिवर्स दिखाएगी कि कैसा होना चाहिए। अगेन एट ऑफ सोर्ड्स, आप देख सकते हैं कि बंधा हुआ फील कर रहे, आना तो चाहते हैं लेकिन बंधा हुआ फील कर रहे। पेज ऑफ सोर्ड्स, अगेन आपके ऊपर पूरी तरह नज़र बनाए हुए, स्पेशली सोशल मीडिया पे, आपका व्हाट्सअप है, आपका फेसबुक है, हर जगह पे पूरी ताक लगाए बैठे, और नॉर्मल लेवल पे भी आपको देख पा रहे, तो बहुत पूरी मतलब आपको लग रहा है कि ये इंसान मेरी तरफ ध्यान नहीं है, लेकिन पूरी तरह ध्यान है आपके ऊपर, क्या चल रहा है। मैजिशियन, अगेन आप ही के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मैनिफेस्टेशन हो रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनको इशारे दे रहा है, कहीं ना कहीं आपकी याद दिला रहा है। तो उस कदर वो यादों में जब खो रहे ना, तो आपको भी फील होता होगा कि उनका नाम कहीं दिख रहा है, कहीं उनका आसपास होना आपको फील होता होगा, या कहीं आपको ओवर इमोशनल फील होता होगा ना, तो डेफिनेटली ये उनकी एनर्जी है। आपको अचानक से, मतलब आप इतने दिनों से शांत है, अचानक से गुस्सा आ रहा है, बहुत रोना आ रहा है, ऐसा हैवी फील हो रहा है, मतलब बहुत ही ऐसा अजीब फील हो रहा है, तो डेफिनेटली वो उनकी एनर्जी है। एस ऑफ वैंट, अगेन नई शुरुआत, पैशनेट और सब कुछ, आपके लिए बेहद अट्रैक्शन फील करें, एंड स्पेशली रात को। क्वीन ऑफ वैंट्स, अगेन इस रिश्ते में अभी वो लीड लेना चाहते हैं, मतलब आगे बढ़ के हाथ थमने की बारी आ गई। मतलब ऐसा लग रहा है कि जिस वजह से, जिन लोगों के लिए मैंने इस रिश्ते में आनाकानी की थी, अभी उनको उसमें कुछ दिख नहीं रहा है। अभी ऐसा लगता है कि आगे बढ़ के आपका साथ देना ही ज़्यादा अच्छा है, और उनके लिए वही सुकून देता है। तो अगेन पैशनेट फीलिंग है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स, मूवमेंट तो ज़रूर है, मतलब जिस तरह से आप देखते हैं कि आपके तरफ आने की पूरी इच्छा है, पूरी तरह इच्छा, बोल नहीं रहे, बता नहीं रहे, लेकिन इच्छा तो मन में यही है। नाइट ऑफ कप्स बहुत ही इमोशनल एनर्जी है, और किंग ऑफ सोर्ड्स, मतलब ऐसा एक्चुअली जिस तरह से लाइफ में सिचुएशन चल रही है, खास करके ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजरना, टावर मूवमेंट से गुजरना, उस कदर है ना वो बहुत ही रुखे हो गए, रुखे। आपको देखने से पता नहीं चलेगा कि इंसान इतना चिड़चिड़ा क्यों है, कुछ बोलता क्यों नहीं है, कुछ दिखाता क्यों नहीं, एक्सप्रेशन क्या है क्या नहीं। तो इस कदर उनको ना बहुत चिढ़ आ गई है, ऐसा फील हो रहा है
कि जो भी रिश्ते लोग आसपास है अगर वो ज़रा सा भी अनबन पे आते हैं, उनको लग रहा है कि इन्होंने ही मेरा रिश्ता बिगाड़ा था, इनकी वजह से सब कुछ हो रहा है ना, तो उनको वो काटते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर वो कोई भी हो, दोस्त हो और पेरेंट्स हो, मतलब पेरेंट्स का मान लीजिए कि रिश्ता नहीं काटेंगे बट समाव मतलब वो उसे बात करने से चिढ़ते हैं या बात काटते हैं, ऐसा फील हो रहा है। और बॉटम ऑफ डेक है नाइट ऑफ वैंड्स, तो एक्शन ही एक्शन है आज, और आपके लिए तो बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं। कमिटमेंट मुझे यहाँ पे आज कहीं पे नहीं दिख रहा है कि कमिटमेंट देने की कोशिश में है। कमिटमेंट ना हर चीज़ है ना उनके दिल में बहुत है, लेकिन फिलहाल है ना जिस तरह से एनर्जीज है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं ना, तो इन एंड आउट की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। मतलब मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, लेकिन आप कुछ ज़्यादा पूछने बोलने लगेंगे ना तो सीधा अपना हाथ खींच लेंगे या पीछे हट जाएंगे, ऐसे फील होंगे। देखते हैं कि एंजल आंसर्स क्या आपके लिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आपको दूसरों की मदद लेनी चाहिए। किसी भी रीज़न से कहीं से भी आपको कुछ मदद आ सकती है, तो उस मदद की वजह से शायद कुछ तो फ़र्क पड़े, जैसे कि दोस्त है या कोई इवन कुछ कंसल्टेशन से वगैरह भी आपको फ़र्क पड़ सकता है। वेट, अगर आपने कुछ डिसीजन लिया है, हाँ या ना, मूव ऑन करना है, ये करना है, वो करना है, जो भी डिसीजन लिया है, तो यूनिवर्स का कहना है कि वेट, मतलब अभी तक कुछ निर्णय लेने का टाइम नहीं आया है, तो आप थोड़ा वेट करिए। जिस तरह से मैंने कहा कि मुझे 100% कमिटमेंट या 100% मूवमेंट उनकी तरफ से नहीं लग रहा है, हालांकि वो चाहते तो वही हैं, चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन मुझे कहाँ वो मूवमेंट या मतलब नेक्स्ट एक्शन ज़्यादा आना चाहते हैं, लेकिन एग्जैक्ट टाइम और वो सब कमिटमेंट फील नहीं हो रहा है। तो यूनिवर्स का कहना भी ये है कि आपको थोड़ा वेट करना है, कुछ सिचुएशन, कुछ चीज़ें बदलने के लिए वक्त लगेगा। सरेंडर टू डिवाइन, यही तो मैंने अभी जस्ट कहा था कि आप प्लीज़ ना यूनिवर्स पे सरेंडर कीजिए, कि यूनिवर्स ने रिश्ता दिया है, यूनिवर्स ने तो सेपरेशन लाया है, तो यूनिवर्स इट सब ठीक करिए, लेकिन इस बीच में यूनिवर्स कुछ चाहती है, उनमें आप में कुछ बदलाव लाना, तो उस बदलाव को समझिए। तो ये इस यूनिवर्स का कहना है। ऑन कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, डेफिनेटली आपको कोई सॉल्यूशन तो डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा ना, मुझे सॉल्यूशन तो आ रहा है, सिर्फ हर एक अपनी जर्नी है, हर एक का अपना एक हिस्सा है समझाने का, समझने का, तो एक वही बाकी है। और कंक्लूजन्स मतलब एक निर्णायक स्थिति तो ज़रूर ज़रूर आएगी। तो ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, और मेरी तो दुआ है, मतलब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ यूनिवर्स से कि बस जल्द से जल्द आपके पार्टनर आए और इस ये रिश्ता है ना पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। तो यही है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।